ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की चार राज्यसभा सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए पांचवें निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में आते ही सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला के अलावा मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी मैदान में हैं, तो बीजेपी से घनश्याम तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, जिनको भाजपा ने समर्थन दिया है, के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। ऐसे में राजस्थान के कांग्रेस और समर्थित निर्दलीय विधायकों को उदयपुर भेज दिया गया है, लेकिन बसपा से कांग्रेस में आए मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत चार विधायकों ने उदयपुर में हो रही बाड़ेबंदी में जाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, इन विधायकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। इनमें मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अशोक बोलते बहुत हैं, और प्रभारी ने यानी अजय माकन ने जो कमिटमेंट किया था आज तक पूरा नहीं हुआ। दरअसल इन विधायकों को अच्छे से पता है कि सरकार से अपनी बात मनवाने का यह आखिरी मौका है। बता दें, बसपा से कांग्रेस में आए इन विधायकों में से दीपचंद खेरिया और जोगिंदर रवाना उदयपुर जा चुके हैं, जबकि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा नाराज विधायकों के साथ जयपुर में ही मौजूद हैं। इन नाराज विधायकों को लीड करने वाले राजेंद्र गुड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी साथियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और इस बात से ही हमें दिक्कत है। सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसका कारण जो भी है वो परिवार के अंदर की बातें, क्या मजबूरी रही होगी, क्या स्थितियां रही होगी, लेकिन ये बात सही है। गुड़ा ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन के कमिटमेंट को भी याद किया और कहा, वो कोई बात नहीं है, राजनीति में कोई जूनियर सीनियर नहीं होते, और कुल मिला के राजनीति के अंदर कमिटमेंट जो हो वो पूरा होना चाहिए। और अजय माकन जी हमारे प्रभारी मंत्री जी ने मेरे से कमिटमेंट किया था, पूरा नहीं किया उन्होंने। बात यही नहीं रुकी, मीडिया द्वारा जब मंत्री राजेंद्र गुड़ा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर बसपा के साथियों का आभार जताते हैं और कहते हैं कि बसपा के साथियों ने हमारी सरकार बचाई, इस पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कुछ ऐसा कहा जो उनकी सख्त नाराजगी को पूरी तरह दर्शाता है। गुड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते बहुत ज्यादा हैं। गहलोत साहब बोलते तो हैं कि ये किया ये किया, ये मीडिया में बोलते हैं, कभी बैठ के चिंता करते तो ज्यादा ठीक होता। अच्छा शहर है उदयपुर। जानकारों की माने तो सीएम गहलोत को सियासत का जादूगर कहा जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि 10 जून से पहले गहलोत सबको अपने पाले में ले आएंगे, लेकिन मंत्री पद सहित कई तरह के सियासी फायदे देने के बावजूद खास माने जाने वाले राजेंद्र गुड़ा के इस बयान ने एक बार तो सीएम गहलोत की जादूगरी को झटका दे ही दिया। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों की उदयपुर में की जा रही बाड़ेबंदी को लेकर भी राजेंद्र गुड़ा ने तल्ख राय रखी। गुड़ा ने कहा कि उदयपुर भले ही घूमने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन वो बंद होने के लिए अच्छी जगह नहीं है। और राजस्थान के अंदर घूमने के लिए अच्छी जगह, बंद होने के लिए अच्छी जगह नहीं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।